A very good afternoon to the students of class UKG. Welcome back to the EBS classes. So today we are going to discuss about the previous chapter, what we have done in the day before, that is your my home. Students, we have talked about the definition of my home. We have said that the what is a home, the place where we live with our own ones are known as a home. हमने ये भी describe किया था कि home हमें आखिर क्यों चाहिए. तो we need home for what? By protecting us from the external temperature, from robberies, from thieves as well as in animals. Is that clear? हम लोग सभी जानते हैं कि एनिमल्स को भी होम्स चाहिए और इस होम्स का अलग अलग नाम है, जैसे कि काउ का शेड, हॉर्स का स्टेबल, रैबिट का बुरो, एंट का होल एंड बर्ड का नेस्ट. इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्हों जो कि है अलग अलग नाम. और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और उसके बाद जो एक्सरसाइज हमारी टेक्स्ट बुक में दी है वो क्या है. हमने हाउस को तो पढ़ा ही था, हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि हाउस में अलग अलग तरह के रूम हैं. इस रूम का हर एक रूम में एक हम वर्क करते हैं और एक सर्टन नाम दिया जाता है, ठीक है. तो हम लोग ने देखा था कि ड्राइंग रूम में आखिर हम लोग क्या करते हैं. तो बच्चों, ड्राइंग रूम में हम लोग अपने गेस्ट को एंटरटेन करते हैं और हम उनको उनके साथ बातचीत करते हैं और हम रेस्ट भी करते हैं, ओके. उसके अलावा हमने किचन के बारे में बात की थी, जहाँ पे हम यमी फूड्स बनाते हैं, मामा बनाती है हमारे लिए, और हम लोग किचन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रियजनों को अच्छी अच्छी भोजन बना के खिलाना चाहते हैं. उसके बाद हम लोग ने डाइनिंग रूम पढ़ा था. डाइनिंग रूम में हम लोग अपने प्रियजनों के साथ बैठ के एक साथ खाना खाते हैं. 3 मील्स अ डे हम खा पाते हैं, कभी कभी छुट्टियों में. ऐसे तो अगर ड्यूटीज़ में रहें तो लोग 2 ही टाइम खाते हैं, एक मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट और एक इवनिंग का डिनर. बीच वाली लंच हम अपने वर्किंग प्लेस में खाते हैं, या तो स्कूल में खाते हैं या फिर ऑफिस में खाते हैं. 4th हम लोग ने बेडरूम कहा था. तो बेडरूम हमारा अच्छा एरिया है जहाँ पे हम खुद को खुद के लिए एक जगह सेलेक्ट करते हैं जहाँ हम रेस्ट कर सकें, एक अच्छा नैप ले सकें, ताकि फिर हम दोबारा अपने आप को एंटरटेन कर सकें अच्छे अच्छे कामों के साथ. उसके बाद हम आते हैं बाथरूम में, अपने आप को फ्रेश करना है. तो हम कहाँ यूज़ क्या यूज़ करते हैं, बाथरूम यूज़ करते हैं. वी टेक बाथ हियर एवरी डे, ताकि हम अपने आप को हमेशा रेडी रख सकें. उसके बाद ड्रेसिंग रूम हम लोग गए हैं, ड्रेसिंग रूम में हम तैयार होते हैं. और लास्ट में क्या है, स्टोर रूम. स्टोर रूम में हम अपनी जो सामान ज़रूरत नहीं है वहाँ पर रखते हैं. ये सब के बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज दिया हुआ है. इस एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे कि वी एंटरटेन आवर डैश इन द ड्राइंग रूम, तो क्या होगा, यस गेस्ट रूम. वी एंटरटेन आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, वी डैश फूड इन द किचन, तो हम अपने किचन में क्या करते हैं, वी कुक फूड इन द किचन, ओके. देन नेक्स्ट दे आर सेइंग वी डैश इन आवर बेडरूम, हम अपने बेडरूम में क्या करते हैं, तो वी स्लीप इन आवर बेडरूम, ओके. वी डैश आर सेल्फ इन आवर ड्रेसिंग रूम, हम अपने ड्रेसिंग रूम में क्या करते हैं, तो वी ड्रेस आर सेल्फ इन द ड्रेसिंग रूम. अब हमें मैच द फॉलोइंग करना है, ये पिक्चर्स देखनी है, देन वी हैव टू सी द वर्ड्स एंड विद द अप्रोप्रिएट पिक्चर वी हैव टू मैच द अप्रोप्रिएट वर्ड्स. सो द फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द पिक्चर गिवन टू यू, सर्टेनली इट इज अ प्रेशर कुकर. सो द प्रेशर कुकर इज बीन मैच्ड with the kitchen because it is the utensil which has been kept in the kitchen. The second is your towel. Towel has been kept in the bathroom. The third is your suitcase. The suitcase which is not in the proper use now, we'll keep it in our storeroom. And fourth, we are having our what? Bed. So bed is where, dear? It is in our bedroom. And then we have a dressing table. So dressing table is where? In our dressing room. Okay. Besides this, we are having an MCQ questions also. The one question which I'll be discussing now before you is what? The place where we live is called what? House. We have already discussed the definition of a house.
Besides this, we eat our food where? In the dining room. Next, we store different things in our storeroom. And we take bath where? Bathroom, dressing room or drawing room? Yes, exactly, bathroom. We take our bath in our bathroom. Okay, ये छोटी सी pictures दी गई है यहाँ पे. ये project work है जो को आपको खुद करना है. The picture shown below is of a drawing room. Drawing room का picture है. But some things that do not belong to this present is कुछ ऐसा पिक्चर है जो कि यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है ड्राइंग रूम में, उसको आपको क्या करना है, क्रॉस कर देना है. जैसे कि टिफ़िन नहीं है आपका, बुक्स नहीं है आपका, सूटकेस नहीं है, और आपका ये ब्रूम नहीं है, तो इन सभी में क्या लगा देना है, क्रॉस. अगला चीज़ हम जो देखेंगे ये रहा आपका वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स जो कि दिया गया है. पहले आपको हार्ड वर्ड्स कर लेना है. पहला वर्ड क्या है, डिफरेंट. दूसरा वर्ड क्या है आपके लिए, ड्राइंग. उसी तरह से करना है, पहले वर्ड्स को पढ़ लेनी है और उसके बाद वर्ड को सुंदर से देख के लिख लेना है थ्राइस. तीसरा वर्ड क्या है, किचन. चौथा वर्ड क्या है, डाइनिंग. पांचवा वर्ड क्या है, बेडरूम. छठा क्या है, बाथरूम. और सातवां क्या है, स्टोर रूम. ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वर्ड मीनिंग्स, राइट. पहले व्हीकल्स को हम लोग क्या कहेंगे, वाहनों. आवर्सेल्व्स को क्या कहेंगे, हम. एंटरटेन को क्या कहेंगे, मनोरंजन. किचन को क्या कहेंगे, रसोई. उसके बाद डाइनिंग को क्या कहेंगे, भोजन. बेडरूम को क्या कहेंगे, बेडरूम. बिल्डिंग को क्या कहेंगे, इमारत. हाउसेस को क्या कहेंगे, मकानों. और गैरेज को क्या कहेंगे, गैरेज. एग्जैक्टली. उसके बाद ये पिक्चर्स आपको बनानी है अपनी कॉपी में. पहला पिक्चर आप ड्रेसिंग टेबल की बनाएंगे, दूसरा पिक्चर आप बाथरूम का बनाएंगे, तीसरा किचन का बनाएंगे, चौथा बेडरूम का बनाएंगे, पांचवा डाइनिंग रूम का बनाएंगे. आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, उसी को देख के सुंदर से अपनी कॉपी में बना लेंगे. और आशा करते हैं कि आपकी कॉपी चैप्टर 5 तक कम्प्लीट होके स्कूल में पहुंच जाएगी. स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट टाइम. थैंक यू वेरी मच.